रसोई हमने लिया है तो हम ऑयल का डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। लीजिए देखें जी, आज का मौसम देखें, इतनी ठंडी हवा है, मुझे जाना है बाहर शॉप पे मीट लेने के लिए, तो चलिए चलते हैं मीट लेने। ये देखें जी किसको पकड़ा मैंने आज। हैं क्या हो रहा है इधर, अच्छा काम करना है या लग रहा है? ओह नाउ मैं यहाँ पे मीट लेने आई थी और ये देखें बाहर खड़ा, ब्रेक उसकी ब्रेक थी तो वो बाहर खड़ा हुआ था, तो मेरी उससे मुलाकात हो गई। तो चलिए जी मीट ले लिया यहाँ से, अब चलते हैं, थोड़ी सफाई शफाई हो जाए यहाँ पे घर पे, दिन शुरू हो चुका है। आज मैंने थोड़ा सा खाना बनाना है अपने हस्बैंड के लिए और अपने भाई के लिए, थोड़ा सा स्पेशल कुछ नई रेसिपी ट्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो उससे पहले थोड़ा बहुत घर का काम हो जाए, थोड़ी सफाई हो जाए, लेने तो मैं मीट गई थी लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें उठा के ले आई मैं। मैंने कहा चले साथ आज मीठा भी बनाते हैं, तो उसकी भी एक रेसिपी आपको दूंगी, मिल्क केक की। आज मेरा दिल कर रहा था मिल्क, काफ़ी देर से कर रहा था मिल्क केक बनाऊं, तो मैं उसकी भी चीज़ें लेके आई थी, तो मैंने सोचा चले उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये छोटे मोटे काम हैं घर के, ये ख़त्म करके इंशाल्लाह तो फिर इसके बाद हम अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। अब यकीन करें इतना बंदा थक जाता है ना, एक से दो रेसिपीज बनाने में भी इतना टाइम लग जाता है, तो काम करते हुए फिर खाना बनाते हुए बंदा काफ़ी थक जाता है। लेकिन अगर रेसिपी अच्छी निकले और सबको पसंद आए तो आपकी मेहनत पूरी हो जाती है और आप लोग जो है ना, और स्पेशली लेडीज़ जो हैं वो खुश हो जाती हैं कि चले जी थकावट तो होगी लेकिन एटलीस्ट सब खुश हो गए खाना खा के। लेकिन अगर वही रेसिपी किसी को पसंद नहीं आए तो बंदा, एक तो उसकी थकावट भी बड़ी होती है और दूसरा बंदे का मूड भी ऑफ हो जाता है कि भाई किसी को पसंद नहीं आई। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ी बहुत सफाई कर रही हूँ और थोड़ा सा किचन साफ़ हो गया है, थोड़ा टेबल शेबल साफ़ कर लिया है और बस इसी तरह घर के छोटे मोटे काम हैं ये ख़त्म किए हैं और बस अब हूवर को ऑन करूँगी और ये साफ़ सुफ करके इसके बाद हम चलते हैं इंशाल्लाह किचन में। ये मेरा बहुत फेवरेट चीज़ है, यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो इसमें ये है कि उन्होंने ऑनलाइन जो है ये जो खुशबू है ये उन्होंने ऑनलाइन बाय की थी अमेज़ोन से आई थिंक, और ये इसमें थोड़ी सी बस डाल दें और ऑन कर दें तो पूरे घर में इतनी अच्छी स्मेल आती है। तो बस मैं जब मेरा कभी कभी दिल करता है तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये स्प्रे के बारे में मैंने आपको बताना था कि बहुत ही अच्छी स्प्रे है ग्लास साफ करने के लिए, मतलब बिल्कुल आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, रगड़ना भी नहीं पड़ता चीज़ को ज़्यादा और स्ट्रीक्स भी नहीं छोड़ता ये, तो बिल्कुल आप इसको थोड़ा सा शेक करें, इसको स्प्रे करें और फाइबर क्लॉथ अगर आपके पास है तो, या फिर आपके पास जैसे मेरे पास ये टिश्यू है वाटरप्रूफ टाइप, इससे आप साफ़ करें और यकीन करें बिल्कुल शीशा साफ़ हो जाता है आपको, बिल्कुल फिर विद इन फ्यू मिनट्स आपका जो है ना काम ख़त्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। चलिए जी अब मीठे की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो इसमें मैंने ले लिया एक छोटा सा बेलीफ, एक छोटी सी सिनेमन स्टिक और दो से तीन इलायचियाँ सबस, और इसके साथ थोड़े से डेकोरेशन के लिए लिए मैंने पिस्ता और रोज़ पेटल्स जो कि मैंने घर पे सुखाए हुए हैं। तो ये है डबल क्रीम और इसके साथ में चाहिए कंडेंस मिल्क और साथ में चाहिए वेपोरेटेड मिल्क, तो इसकी क्वान्टिटी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, और साथ में चाहिए वनीला या मजेला जो भी आपके पास केक है वो इसमें जाएगा। तो सबसे पहले हम केक काट के उसको लगाएंगे अपने पैन के बॉटम पे, और इसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि हमने लेना है 200 ml नॉर्मल जो फुल फैट मिल्क होता है वो हमने लेना है, और उसके साथ इसमें जाएगा 100 ml जाएगा इसमें वेपोरेटेड मिल्क और 100 ml ही इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा नहीं खाते तो आप कंडेंस मिल्क की जो है मकदार वो कम कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी मीठा होता है। तो ये मैंने 100 और 200 का रेशो लिया है। इन सब चीज़ों को हम पैन में ऐड करेंगे और इसके साथ जो मैंने आपको बताया है इलायची सिनेमन स्टिक और बे लीफ वो इसमें डाल के हमने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेना है, और जैसे ये बॉईल होगा इसको गर्म करके हमने एक दो बॉईल आएगा तो उसके बाद इसको हमने केक के ऊपर पोर कर देना है और उसको हमने रख देना है ठंडा होने के लिए, और उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने इसके ऊपर डेकोरेशन कैसे करनी है। खैर मेरी डेकोरेशन इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी एनीवे करनी तो है। तो यहाँ पे हमने केक जो है वो उसको सोक करना है जो हमने मिल्क गर्म किया है, तो ये आपने इसे प्रॉपरली सोक करना है, कंजूसी नहीं करनी इससे इसके साथ। ये मेरे पास छोटे छोटे डिब्बियाँ थी दो
उसके में मैंने कहा सर डेकोरेशन अच्छी लगेगी, तो वो मैंने उसमें भी डाल दिया थोड़ा केक, और ये हमारा नॉर्मल जो है मीठा। अब यहाँ पे मैंने 300 ml लिया है, 300 ml लिया है डबल क्रीम, और इसमें मैं 3 tablespoons आइसिंग शुगर डालूंगी, और उसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। क्रीम और इसके साथ हम इसको थोड़ा बहुत जो सजा सकते हैं वैसे सजा लेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता, थोड़े से रोज पेटल डाल के, तो आप इसको अच्छी सी प्यारी सी शक्ल दे दें। ये देखें क्रीम सही भी नहीं लगी, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, तो इसको हम अब फ्रिज में डाल देंगे। हमारा ये डिज़र्ट रेडी हो गया। अब हम चलते हैं अपने बिरयानी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg चिकन, और इसमें डालेंगे हम 1.5 cups जो है पानी, 1 teaspoon जो है हम इसमें डालेंगे नमक, और इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर। यहाँ पे जी बनेगा बिरयानी का स्पेशल मसाला, जिसके लिए चाहिए 2 tablespoons धनिया, सूखा धनिया, और 2 tablespoons इसमें जाएगा जीरा, 1 tablespoon कुटी हुई ब्लैक पेपर जो होती है वो, 1 teaspoon, 1 teaspoon इसमें जाएगा गरम मसाला, 2 tablespoon इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स चली गई, इसकी 1 teaspoon सॉल्ट जाएगा, 1 teaspoon इसमें जाएगा चाट मसाला। इसको हम करेंगे ड्राई रोस्ट, ये हो गया ठीक है। ब्लू चिली मसाला हमारा रेडी, इसको हमने ऐसे कोरे से करना है। यहाँ पे हमने ले लिया है चिकन, इसको हम फुल आंच पे रखेंगे, डालेंगे यहाँ पे 1 glass वही हमने जो लिया है, तो हम ऑयल का डालेंगे। ये वही पानी है, हमने पानी फेंका नहीं है इसका, जिसमें हमने नमक डाल के इसको भिगोया था, तो उसी पानी में हमने ऑयल डाल के इसको कुकर के ऊपर उबलने के लिए रख दिया है। ये देखिए पानी उबल रहा है, हम इसको थोड़ा सा हिलाते हैं। ये देखिए जी हमारा पानी तकरीबन इसमें से उड़चा उड़ गया, काफ़ी कम रह गया पानी, ट्राई करना है बस हमने इसको तेज़ आँच। यहाँ पे जी मैंने लिया है तकरीबन 900 grams है चिकन, 100 grams ही कम है, तकरीबन 1 kg हमने लिया है लेग्स, चिकन लेग्स, इसको हम लगाएंगे थोड़ा सा मसाला, और इसको हम बनाएंगे तवे पे। तो चलिए पहले मसाला लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा नमक, अबाउट 1/2 teaspoon नमक लगाया है मैंने इसको ठीक है, और इसमें लगाएंगे हम 1/2 lemon, 1 teaspoon इसमें तिक्का मसाला डालते हैं, 1.5 teaspoon ठीक है, तकरीबन 2 डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको हमने आधे घंटे के लिए छोड़ देना ऐसे ठीक है। ये देखेंगे हमारा यहाँ पे चिकन का जो पानी है वो सारा ड्राई हो गया है, अब रह गया सिर्फ तेल, और इसमें हम जो है ना वो करेंगे अपने चिकन को ब्राउन। चिकन वो थोड़ा टूट रहा है, तो मसाला अपना जो हमने बलोची मसाला बना के रखा हुआ है ठीक है, और इसको हम थोड़ा टॉस करेंगे, थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे, इसमें एक नींबू भी डालेंगे, और ये हमारा बलोची टिक्का मसाला रेडी है। थोड़ा सा मसाला और डालेंगे, ये चावलों में जाना है इसमें ठीक है। चलो अच्छा जी, यहाँ इसमें हम पानी में उबाल, पहले पानी में डालेंगे एक इलायची, थोड़ी सी हम ये डालेंगे, और एक कड़ी पत्ता, 2-3 डालेंगे इसमें लौंग, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें काली मिर्ची ठीक है, 2 इलायची ठीक है, 1 tea इसमें जाएगा ऑयल, थोड़ा सा लेमन। जब तक चावल उबलते हैं तब तक हम अपने चिकन की तैयारी कर लेते हैं। तो ये चिकन हो गई है, जिसको मैंने कुछ देर पहले मसाला लगा के रखा था, जिसको मैंने लगाया था चिकन टिक्का, नमक और लेमन। तो ये हम इसको अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, इसको जब तक ये ब्राउन होता है
बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, जब तक ये ब्राउन होता है इसको ब्राउन करके हमने प्लेट में निकाल लेना है, और फिर इसका अगला जो है वो जो तवे पे हमने इसको पकाना है। हालांकि तवा मेरा बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर, मुझे बड़ा शौक है पकाने का, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, देखते हैं अब ये बनता है कि नहीं। यहाँ पे जो मैंने दही ले लिया डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। हाफ टी स्पून गर्म मसाला डाल, नमक डालेंगे एक टी स्पून, वन टी स्पून एंड हाफ, अबाउट टू टी स्पून, हाफ से टी स्पून, ठीक है। चलो इसको करेंगे मिक्स। और चाट मसाला, डायरेक्ट हाफ योगर्ट जाएगा, इसके ऊपर जाएंगे हरी मिर्चें, ओके अच्छी डैम तक मिल गई। ये जी तवे पे ये संभल नहीं रहा था, अपनी औकात से बाहर हो रहा था बार बार, तो मैंने कहा चलो इसको पैन में ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं इसको थोड़ी देर पैन में पकाऊंगी, इसको थोड़ा ब्राउन करूंगी, और फिर इसको दोबारा से तवे पे ट्रांसफ़र करेंगे। बस कहते हैं ना शौक का कोई मूल नहीं, बस मुझे बड़ा शौक है तवे पे चीज़ें पकाने का, लेकिन वो तवा थोड़ा छोटा है और चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन बहरहाल इसको थोड़ी देर हमने पकाया, उसको थोड़ा ड्राई किया योगर्ट को, इसके बाद दोबारा जो योगर्ट इसके ऊपर लगा के, ये बहुत ही सॉफ्ट सा बनता है इसके साथ योगर्ट के साथ, तो ये बस इसको लगा के दोबारा हमने थोड़ा सा, ये देखे मैंने दोबारा से तवे पर इसको ट्रांसफ़र कर लिया, इसको हम थोड़ा सा इसको कलर देंगे और हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है, और फिर हम इसको इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं। ये जो चिकन है बेसिकली खाया जाता है रुमाली रोटी के साथ, तो ये जो मैंने योगर्ट इसके ऊपर लगाया है थोड़ा पतला होता है, लेकिन मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया योगर्ट को, लेकिन बहरहाल आप थोड़ा सा इसको पतला भी कर सकते हैं, और पतला करके ऊपर लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और इसको थोड़ा थोड़ा आपने ऊपर से तोड़ लेना है चिकन को ना, कोई चीज़ मार के, तो बस हमारा चिकन रेडी है। चलिए जी चिकन हमारा रेडी है, अब यहाँ पर मैं ये फ्राई कर रही हूँ जो हमने बिरयानी के ऊपर डालनी है प्याज, और अब बिरयानी की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर जी मैंने ले लिया पैन में थोड़ा सा ऑयल, और इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 प्याज, और इसको हमने कर लेना है अच्छे से ब्राउन। और इसमें जो मसाले जाएंगे खड़े वो है, एक बे लीफ है बड़ा, एक सिनेमन स्टिक है, एक बड़ी मोटी इलायची है काली वाली, और एक जो है वह जावित्री का पीस है छोटा सा, तो इनको भी डाल के हमने इसके साथ अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप योगर्ट, और इसके अंदर जो हमने मसाला बना के रखा हुआ था वही मसाला हम 1 टेबल स्पून भर के इसमें डालेंगे। ये ऑब्वियसली कप छोटा है तो मैं इसको किसी और बर्तन में डाल के मिक्स कर लेती हूँ, तो हमने इसे मिक्स करके, तो इस योगर्ट को फेंट के इसको मिक्स करके रख लेना है, जो हमें अभी इसी मसाले में हमने बाद में ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है आपने इसके बाद जो है प्याज जब ब्राउन हो जाए, मेरा थोड़ा याद नहीं रहा मुझे, तो मैंने यहाँ पे वो डाली नहीं चीज़ें, पर बाहर इसमें वो मैं आगे डालूंगी, आप वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है नमक का, और साथ में इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अगर आपके पास पेस्ट है तो ग्रीन मिर्चों के 1 टेबलस्पून डाल लें, और अगर नहीं है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं बाद में डाल रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें डाल के, और उसके बाद आपने योगर्ट जो आपने बना कर रखा है वो इसमें डालें, और थोड़ा सा उसको भूने, जब ऑयल ऊपर आ जाए तो उसमें जो आपने चिकन रेडी करके रखा हुआ है ये हम इसमें डाल देंगे, और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाता प्याज़ों के साथ। अब हमारे जो चावल उबले हुए थे वो हमने इसके ऊपर तह लगा देनी है, अच्छे से इसको फैला लें हर तरफ, और इसके ऊपर हम अपने लेमन डालेंगे, जो लेमन स्लाइसेस काट के हमने रखे हुए हैं, साथ में हरी मिर्ची हैं मोटी वाली ये थोड़ी 1-2 डाल दें, साथ में प्याज जो ब्राउन करके रखे हुए थे वो डाल दें, हरा धनिया डाल दें फ्रेश, पुदीना मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने पुदीना नहीं डाला, लेकिन अगर आप पुदीना डालना चाहते हैं तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा, अगर आपके पास देसी घी है तो वो डाल दें, लेकिन मेरे पास देसी घी नहीं था तो मैंने बटर डाल दिया है, आप ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 1/2 कप मैंने लिया है मिल्क, और ये हम इसमें ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देंगे बलोची टिक्का बिरयानी मसाला जो हमने बना के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर आपने छिड़क देना है, और थोड़ा सा हम लेमन इसके ऊपर डालेंगे, और अब हम इसे देंगे दम। आपने पैन के नीचे तवा रखना है, और इसको 5 मिनट आपने हाई फ्लेम पे पकाना है, और फिर इसके बाद 15 से 20 मिनट आप
इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाएंगे। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी हमारे आलू बैंगन जो थे पड़े हुए, तो मैंने सोचा चलो अगर किसी ने बिरयानी नहीं खानी हुई तो हम उनको रोटी बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोटे मोटे आलू काट लिए क्योंकि मैं सारी एक ही चीज़ें, बहुत ही ईजी रेसिपी आप डाल के भूल जाएं। यहाँ पे मैंने अब दो बैंगन लिए हैं और इसके अंदर मैंने एक प्याज डाला है बड़ा वाला, साथ में आलू डाले हैं, टमाटर टीन वाले डाले हैं, एक टीस्पून से डेढ़ टीस्पून मैंने डाली है इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी, और एक से दो टीस्पून मैंने इसमें डाली हैं सूखा धनिया जो मैंने भून के रखा हुआ है, और इसके अलावा मैंने चिली फ्लेक्स डाली हैं, और साथ में अल्लाह आपका भला करे इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी जो हमारे पास डालने की वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन हल्का सा बस ऐसे ही डाल दें ताकि मसाले वगैरह जो है वो जले नहीं। इनको मिक्स करें अच्छे से और इसको आपने दम पे रख देना है, और इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन फ्रेश वाला, अगर आप कूट लें तो भी अच्छा है, नहीं तो ऐसे भी ये इसमें घुल जाएगा जब ये गल जाएगा। तो इसको हमने कवर करके बिल्कुल पकाना है, और बीच बीच में आप इसको डर होता है लेकिन बहरहाल आपने इसको लो आंच पे पकाना है, और बस इसी तरह आपने इसको भूनते जाना है जब तक ये गल ना जाए, और ये जब गल जाएगा जिसको आपने अच्छे से भून के, तो बस इसमें हरा धनिया और सूखा गर्म मसाला डाल के आप इसको बस डिश आउट कर लें। ये देखिए जी बिरयानी हमारी रेडी है, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, और टेस्ट भी माशाल्लाह मैंने दो तीन दिन इसको खाया है, बहुत मज़े की है, चिकन में भी फुल फ्लेवर होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। तो ये देखिए बैंगन भी हमारे तकरीबन हो चुके हैं, ये थोड़ी सी मैं इसमें सूखी मेथी डाल रही हूँ, इसको आपने डाल के इसको भून लेना अच्छे से। ये देखें हमारे प्याज और जो बैंगन है वो बिल्कुल हो चुके हैं, इनको थोड़ा कूट लें इसमें ताकि अच्छे से वो मैश हो जाएं। आलू मैंने इसलिए ज़्यादा बड़े डाले हैं ताकि वो जल्दी गल ना जाएं, तो बस ये इसी तरह इसको भून के हमारी हांडी बिल्कुल रेडी है। अब चीज़ें डिश आउट करते हैं, इसको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये चिकन देखें हमारा हो गया है, इसको मैंने दोबारा गर्म कर लिया है, हो गया था ये, तो इसके ऊपर थोड़ा सा योगर्ट और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाला है, आप वैसे भी खा सकते हैं लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया ये रुमाली रोटी जो होती है उसके साथ इसका बहुत मज़ा आता है। तो ये चिकन हमारा हो गया है रेडी। यहाँ पे जी बिरयानी भी डिश आउट करते हैं, देखिए बड़े मज़े की बिरयानी बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपीज़। मैं आपके लिए ही ये रेसिपीज़ बना रही हूँ स्पेशली ताकि मैं ट्राई करूँ और आपको बताऊँ कि ये कैसी बनी है, तो अगर अच्छी बनेगी तो मैं तभी आपको अच्छा रिव्यू दूँगी वरना नहीं। मेरे हिसाब से तो बिरयानी 10/10 है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत फ्लेवरफुल है, खट्टी और स्पाइसी, तो बहुत मज़ा आया मुझे खा के, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैंगन भी हो गए हैं रेडी और इनको हमने कर लिया है डिश आउट। अब चाहूँगी आपसे इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।